what is actual freedom? Freedom from unfulfilled desires. बहुत बार हमारे desires पूरे नहीं हो पाते, लेकिन that shouldn't define the rest of our lives. Freedom from unrealistic expectations. दूसरों की unnecessary expectations पे focus करने की बजाय हमें अपनी personal growth पे focus करना चाहिए. And most importantly, freedom from the fear of failure. Because failure is not opposite to success, rather it is a part of the journey of you being successful. डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था that true freedom is freedom from fear. And ये fear आता है from inequalities, injustices, from extremism, from fundamentalism. True freedom for me is कि जब हर नागरिक इस देश का अपनी true potential को achieve कर पाएगा without having to fear from any such repercussions and being able to do in a format जो कि हमारी constitutional morality हमें allow करती है. तो चाहे ये एक औरत in the hinterlands हो, चाहे ये एक दलित हो, चाहे ये एक माइनॉरिटी कम्युनिटी का इंसान हो, जब तक ये अपनी पोटेंशियल, हम में से हर एक इंसान अपनी पोटेंशियल को नहीं फुलफिल कर पाता, तब तक फ्रीडम फॉर अस रिमेन्स एन आइडियल येट टू बी अचीव्ड। तो आप तब तक आजाद नहीं हैं अगर आप में इनसिक्योरिटीज, फियर, जेलसी और वीकनेसेस जमी हुई है। अगर इन सब से आप अपलिफ्ट नहीं हो पाएंगे ना, तो आप अपनी आजादी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। कुछ भी काम करना है तो हमेशा सोचिए कि मैं अपने स्ट्रेंथ पे खेलूंगा। कभी ये मत सोचिए कि मेरी वीकनेसेस क्या क्या हैं। वो हमेशा आपके ऑब्स्टिकल ही बनेंगे। तो आइए दोस्तों, आज के इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे इस बात का प्लेज उठाएं कि हम ना तो इनसिक्योर फील करेंगे, ना ही जलस फील करेंगे और ना ही अपनी वीकनेसेस पे ज्यादा एम्फसाइज करेंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। फ्रीडम, सिंपल शब्दों में कहें तो फ्रीडम फॉर मी is the liberty to think, decide, and then act on those decisions based on my own understanding and beliefs. Bhagat Singh ne kaha tha, great empires get crumbled, but it is the ideas that remain. यानी कि फ्रीडम यहाँ पे डिनोट करता है आपके खुद के थॉट्स को, जो कि आपको खुद ही लिमिट करते हैं, यानी कि थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स एंड आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर नए नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट कैसे करें, वही यहाँ पे फ्रीडम को डिनोट करता है। दोस्तों, ये हमारी भारत की सरजमीं पर बहुत से ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट्स लिखे गए, उपनिषद लिखे गए, मद्भागवत लिखा गया और बुद्धिज्म, जैनिज्म और कितने सारे धर्म आए जो यहाँ के होके रह गए। तो दोस्तों, इस जमीन पर अगर हम फ्रीडम को समझें, फ्रीडम इज नॉट एक्सटर्नल, फ्रीडम इज इंटरनल। अपने आप से इंटरकनेक्टेडनेस की भावना आती है सभी के साथ। अगर आप देखते हैं ना किसी को कि कोई गरीब है या एजुकेशन नहीं ले पा रहा, आपको बुरा लगता है कि आप पर्टिकुलरली इनके साथ अच्छा क्यों नहीं कर पा रहे और इनके लिए कुछ अच्छा क्यों नहीं क्रिएट कर पा रहे। ऐसे ही एक चीज़ हमने भी शुरू की थी स्लीपी क्लासेस से। आज पूरे 6 बरस बीत गए हैं दोस्तों स्लीपी क्लासेस को अपनी मुहिम चलाते हुए, एंड आज ऑन द 6th एनिवर्सरी ऑफ स्लीपी क्लासेस एक दिन का और पास लेकर आए हैं। दोस्तों, पास बहुत सिंपल सा पास है। आप किसी भी कोर्स में जाइए, हमने एक ओपन कोर्स बना दिया है, वहाँ पर वेबसाइट पे अवेलेबल है। उस ओपन कोर्स में आप किसी भी तरह के हमारे सब्जेक्ट को, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस, चाहे सोशोलॉजी, जीएस, सीसैट, किसी भी कोर्स को आप पूरा दिन देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, एक स्पेसिफिक कोर्स है वहाँ बना हुआ है जिसको हमने पास कहा है। एक दिन का पास है लेकिन उसमें 7 दिन के लेक्चर्स हैं। वो 7 दिनों के लेक्चर्स आप देखिए और समझिए कि किस क्वालिटी पर ऑपरेट करना चाहते हैं हम स्लीपी क्लासेस वाले और किस क्वालिटी से बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, ताकि बच्चे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में, अपने आने वाले अटेम्प्ट में दोस्तों रैंक निकालें, और रैंक से अगर कुछ उनके जीवन में अच्छा हो पाता है, अपने टैलेंट के, अपने ओवरऑल पोटेंशियल के साथ अगर वो जस्टिस कर पाते हैं, तो दोस्तों शायद इंटरकनेक्टेड जो हम सब थे आपस में, मुझे ऐसा लगेगा कि यस, कि हम शायद कुछ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूट कर पाए और किसी को अपने सही पोटेंशियल पर पहुंचा पाए। तो दोस्तों, फ़ायदा उठाइए, कोर्स अच्छा लगे तो 15% डिस्काउंट भी चल रहा है। 15 अगस्त का हफ्ता है, पूरा हफ्ता 15% डिस्काउंट चलेगा, आप इसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे कोर्सेज में, मेहनत करते रहिए, इंटरकनेक्टेडनेस की भावना बनाए रखिए। सिर्फ देशवासियों से नहीं दोस्तों, दूर दूर तक ये इंटरकनेक्टेडनेस जानी चाहिए, ना सिर्फ इंसानों तक बल्कि पूरे के पूरे जितने भी कोई लिविंग बीइंग है, सभी के साथ हमें विटनेस करना पड़ेगा इंटरकनेक्टेडनेस, तभी शायद हम एक अच्छे दुनिया की, अच्छे पूरे के पूरे सद्भावना से भरपूर एक दुनिया के ब्रह्मांड की संरचना में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आई विल टेक यू लीव एंड अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। एंजॉय योर डे एंड वर्क हार्ड।